थैंक यू। सबसे पहले आप सब लोगों को सादर प्रणाम। सो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसके लिए बुलाई है जो स्मार्ट मीटर्स के बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन का गैप है, उसको थोड़ा सा आपके माध्यम से हम लोग उसको है ना क्लैरिफाई करें, सॉर्ट आउट करें। पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर हैं हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम सब लोगों को जो जे एन के स्टेट के जो कंटेस्ट है उस कंटेक्स्ट में हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ की जो बिजली के जो रेट हैं दैट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द कंट्री। हमने जो रेट यहाँ जो रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव्ड रेट जो पिछले साल अनाउंस किए थे, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए हम 80 पैसे चार्ज करते हैं, बीपीएल कैटेगरी के लिए 1.25 रुपये करते हैं, उसके बाद जो दूसरा स्लैब होता है अबाउट 200 यूनिट्स के बाद हम लोग 2 रुपये जैसे हम लोग करते हैं। मैक्सिमम जो होता है हमारा जो रेजिडेंशियल सेक्टर जो डोमेस्टिक सेक्टर में 4.5 रुपये का जो लागत होता है। जो अन्य स्टेट को हम लोग उसको कंपेयर करेंगे तो वो होता है कि 5 रुपये 6 रुपये, किसी स्टेट में 7 रुपये तक भी जाता है। लाइकवाइज हम देखेंगे कि जो हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी हमारा रेट कंपेरेबल टू है ना दूसरे स्टेट कंपेयर करेंगे तो 4-4.5 रुपये तक ही है, और इंडस्ट्रीज का रेट भी हमने उतना ही रखा, बड़े इंडस्ट्री का भी उतना ही रखा है। सिर्फ हमारे जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं जैसे वाटर सप्लाई दूसरे वगैरह है वो तो हमने सरकारी विभाग का जो रेट है वो तो ज़्यादा रखा है, 7 रुपये तक रखा है। तो ओवरऑल देखने से हमारी रेट वन ऑफ द लोवेस्ट इन द कंट्री है, ये एक बात। दूसरी बात, जो हम जो पावर प्रोक्यूरमेंट है जे एन के का जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन तकरीबन पिछले जो वित्तीय वर्ष में जो मार्च एंड हुआ उसमें तकरीबन हमने 1000 में पैसा भरना पड़ता है। जब तक हम पैसा नहीं भरेंगे, अभी जो नए रूल्स लागू हो गए हैं एलपीएस रूल्स के हिसाब से, हमें पहले एलसी खोलनी है या एडवांस पेमेंट करना है, उसके बाद ही हमें पावर उपलब्ध होता है। जो हमारे पीपीए जो जेनकोस के साथ हैं, सेंट्रल जेनको भी हैं, हमारे स्टेट के जेनको भी हैं, हम जो पावर हमारी शॉर्टेज होती है हम एक्सचेंज से भी महंगे दाम पर भी लेते हैं। जो जैसे मैंने कहा 20,400 मिलियन यूनिट्स का खपत जो यहाँ जे एन के में पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ था, इस साल हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि ये और बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, तो 22,000 से भी ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा कि पेमेंट एडवांस में करके बिजली लेने पड़ती है। जे एन के का अगर मैं ओवरऑल जो एटीएनसी लॉसेस यानी एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस देखने से, हमारे जो कश्मीर जो कॉरपोरेशन है जो केपीडीसीएल के इलाके में 58% है, और ये जम्मू के इलाके में 42% के करीब है। यानी जो मैं कह रहा हूं जो बिजली हम जो खरीदते हैं 20,400 मेगावाट, उसमें से एवरेज 55% लॉसेस होते हैं। ये लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि जम्मू और कश्मीर दोनों इलाके में मिला के हमारी जो कंज्यूमर मीटर्स जो हैं सिर्फ 50% ही है। हो सकता है किसी इलाके में थोड़ा ज्यादा किसी इलाके में कम हो, बट एवरेज मीटरिंग 50%। अन्य जो 50% है वो बिना मीटर एक फ्लैट रेट के हिसाब से जो अपने कंसम्पशन के चार्ज बढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो भरते भी नहीं है। दूसरा रीजन है कि जो हमारे यहाँ काफी जो पावर में जो फिल्परेज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे जो केबल्स जो हैं वो पुराने केबल्स हैं, उस केबल से हुकिंग भी होती है और फिल्परेज भी होता है, और अन्य काफी रीजंस भी हैं। यहाँ बिलिंग एफिशिएंसी और कलेक्शन एफिशिएंसी में भी कमी है, क्योंकि हम तुलना करते हैं दूसरे स्टेट्स के साथ। ओवरऑल पिक्चर है ये है कि जो 55% एटीएमसी लॉसेस जो है ये हिंदुस्तान में हाईएस्ट लॉसेस है, किसी भी स्टेट में इतनी लॉसेस नहीं होती है। ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं जहां लॉसेस अभी 6% 8% तक आ गई है। हम 2003 से पहले जो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आने से पहले जो
प्री रिफॉर्म्स का स्टेज में अभी भी है। तो हमें हमारे ऊपर तो सारे रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, मगर भारत सरकार ने जो अभी नए स्कीम लॉन्च, एक तो एलपीएस रूल्स लागू कर दिया, उसके हिसाब से पहले पैसा भरो उसके बाद बिजली खरीदो, नहीं तो आपकी बिजली काटी जाएगी। और दूसरी, यहां जो रिफॉर्म्स जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, ट्रांसमिशन सेक्टर में जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो यहाँ की कैपेसिटी एडिशन है, पुरानी जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना है, उसका पैसा यहाँ फ्लो होगा ओनली अगर आप एटीएनसी लॉसेस को कम करेंगे। उसके लिए आरडीएसएस जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो स्कीम है, ये रिफॉर्म सिर्फ जेएनके के नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए है, सारे मानदंड सभी हिंदुस्तान के लिए। उसके हिसाब से हमें एक डेफिनेट ट्रेजेक्टरी दी है कि आपको हर साल 10% से 15% तक एटीएनसी लॉसेस आप कम करेंगे, तभी आपको रिफॉर्म्स के लिए, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाएगा, यहाँ का ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए, यहाँ पोल लगाने के लिए, तार लगाने के लिए, ट्रांसमिशन के टावर्स लगाने के लिए, ग्रिड स्टेशन के लिए, यहाँ आईटी के द्वारा मॉडर्नाइज करने के लिए, हर चीज के लिए पैसा लिंक कर दिया। आप पहले रिफॉर्म्स करो, पहले आपकी एटीएनसी लॉसेस कम करो, उसी प्रोपोर्शनेट दर में आप पैसा आपको मिलेगा। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, लॉसेस को नहीं घटाएंगे, आपको रिफॉर्म्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई धनराशि नहीं मिलेगी। ये भारत सरकार के गाइडलाइंस है, कानून है, ये सबको देश भर में लागू है। तो उस वजह से हमें यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए आरडीएसएस में और एक पीएमडीपी प्रोजेक्ट में, उसमें पहले सैंक्शन हुआ था। और खुशी की बात है कि हमने अभी तक 380,000 स्मार्ट मीटर्स लगा है। ये स्मार्ट मीटर्स लगाने का यही मकसद है कि पहले यहाँ जो बिजली हम खरीदते हैं, जिसको हम वितरण करते हैं, उसकी लेखा जोखा, एक एक यूनिट की लेखा जोखा होना सख्त जरूरी है, क्योंकि बिजली फ्री में नहीं मिलती है, बिजली के लिए पैसा देना पड़ता है। वो पैसा जो रेट तय है, सरकार ने जो प्रपोज की, कॉरपोरेशन में जो प्रपोज की, उसको रेगुलेटर ने जो अप्रूव किया, उसी रेट, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारी रेट हिंदुस्तान में वन ऑफ द लोवेस्ट, मगर एक बार रेट जो रेगुलेटर ने तय कर दिया है, मगर हर कंज्यूमर को उस रेट को देना पड़ेगा। अगर बीपीएल कैटेगरी का ध्यान हमने पहले ही रखा है, जो डोमेस्टिक सेक्टर में एक अफोर्डेबल रेट हो वो ध्यान में पहले ही रखा है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे दुकानदार हैं, उनके रेट हमने पहले ही ध्यान रख के किया है, क्योंकि वी आर वेरी सेंसिटिव टू द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अफोर्डेबिलिटी को हमने ध्यान में रख के ही रेट तय किया है, क्योंकि जब तक ये बिजली का पैसा कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है उसके द्वारा भुगतान नहीं होता है, हमें बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि एटीएनसी लॉस अभी 55% का जो गैप है, उसमें उस गैप को सरकार अपने बजटरी ग्रांट के द्वारा उसको पूरा कर रही है, मगर सरकार पिछले कई सालों से ऐसे जो गैप इतना बढ़ गया था, बकाया इतना बढ़ गया था, जो सरकार ने बिजली खरीदी मगर देने के लिए पैसा था ही नहीं, 31,000 करोड़ का लोन सरकार ने उठाया। आज हमारे पास 31,000 करोड़ की लायबिलिटी है, ये सिर्फ बिजली का लॉसेस से हुआ है। इस लॉसेस जो 31,000 करोड़ की लॉसेस टोटली अनसस्टेनेबल है, बजटरी ग्रांट उसको कितना भी दे देंगे, क्योंकि बजट सरकार का, सरकार की आमदनी लिमिटेड होती है। ये सिर्फ यही बात होती है कि एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ से देने की बात होती है। सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज को जहां डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना चाहिए, सोशल सेक्टर हेल्थ पर करना चाहिए, पेंशन के लिए यूज करना चाहिए जो सोशल सेक्टर में, और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करना चाहिए, उसी पैसे से बिजली का खपत के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि सरकार के रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये टोटली अनसस्टेनेबल है। उस वजह से ये कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है कि स्मार्ट मीटर्स लगा के, पहले तो मीटर्स ही नहीं है, मीटर्स को, स्मार्ट मीटर्स को लगा के, स्मार्ट मीटर का मतलब है कि यहाँ कोई भी इन्फ्लेटेड बिल आने के सवाल ही नहीं है। ये मीटर प्रॉपरली टेस्टेड है, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, जो मैन्युफैक्चरर से द्वारा सर्टिफाइड है। अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत है, उसको हम इमीडिएटली एड्रेस करने के लिए तैयार है। हम उसको कोई भी, क्योंकि पहली बात है कि हम इतने अभी 300 के करीब यहाँ जम्मू रीजन में कंप्लेंट आए थे, ये कंप्लेंट सिर्फ बकाया ड्यूज के वजह से, जो बैलेंस था पहले का अरियर्स था उसके वजह से आए, स्मार्ट मीटर का माल फंक्शनिंग से नहीं है। हमारे
हमने ये कि यहाँ एक वेयर हाउस में यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन के सामने हमने जो ट्रेडिशनल मीटर्स है और स्मार्ट मीटर्स है दोनों को लगा के बिजली चार्ज करके उसको एक टेस्ट करके दिखाया है। अभी भी आपके सामने भी चाहिए तो हम करके दिखाने के लिए तैयार हैं, या कोई भी सिटीजन ग्रुप कहीं भी कोई भी उसको देखना चाहते हैं, वी आर ओपन टू दैट पॉसिबिलिटी एंड वी आर ओपन टू शो दैट, सो दैट आवर स्मार्ट मीटर्स हमारे जो हैं बिल्कुल ही एकदम सही पक्के हैं, इसमें कोई भी इंफ्लेटेड बिल आने की उसको फास्ट रनिंग का सवाल ही नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हैं, हम उसको चेक करके डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार हैं। तो मकसद यही था कि AT&C लॉसेस यहाँ घटाना, उतना ही नहीं है, अगर सरकार बिजली खरीद नहीं पाएगी क्योंकि खरीदने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो यहाँ कटौती हो जाएगी, यहाँ ब्लैकआउट हो जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ बिजली का आपूर्ति सही ढंग से हो। मैं जानता हूँ कि आज भी आपके सामने पब्लिक, अगर कोई भी आप भी हो पब्लिक भी, कहेंगे कि यहाँ बिजली की कटौती होती है, हमें बिजली पूरी 24x7 नहीं मिलता। हमारा मकसद यही है कि 24x7 बिजली कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल दाम पर मिलनी चाहिए, और ये बिजली रिलायबल भी होनी चाहिए, उसमें वोल्टेज शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कंज्यूमर का राइट होता है। सरकार ने, भारत सरकार ने देश भर के लिए राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 अनाउंस किए, उसके हिसाब से कंज्यूमर का राइट होता है, हम उसी दिशा में बढ़ना चाहते हैं। अगर उस दिशा में बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे कमियां हैं, जैसे कि 55% का लॉस है, हम ओवरनाइट उसको तय नहीं कर सकते हैं, मगर हमारा एक डेफिनेट प्लान है अगले 3 साल में हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करें, स्मार्ट मीटर्स के लगा के लोगों की जितनी खपत है उसके हिसाब से बिल खरीदें, बिल भुगतान हो, उसके हिसाब से हम बिजली करके अफोर्डेबल रेट में 24x7 रिलायबल पावर सप्लाई करें, कंज्यूमर का इंटरेस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा कोई भी मकसद नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, यही मकसद है कि यहां बिजली की आपूर्ति सही ढंग से होना चाहिए, अफोर्डेबल रेट पर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। स्मार्ट मीटर्स जो है, जैसे मैं कहा, ये सिर्फ इसका यही एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज ये है कि आप जितना एक आपका स्मार्टफोन में ऐप के द्वारा आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं, आप डेली कितना कंज्यूम कर रहे हो, आपका पिछले महीने का कंजम्पशन कितना था, और अभी आने वाला है, अभी एक हाल ही में हो सकता है कि हाँ थोड़ा ज्यादा टाइम लगे क्योंकि हमारा, हम अभी तक गेयर्ड अप नहीं है इसके लिए, स्मार्ट मीटर्स और ज्यादा लगने चाहिए, तब आपको TOD यानी टाइम ऑफ द डे टैरिफ, ये स्मार्ट मीटर के द्वारा ही इंप्लीमेंट हो सकता है। अगर मान लिया हमारे घर में हम लोग सब लोग कंज्यूमर हैं, आप भी कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूँ, यहाँ बैठे सब लोग हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग घर में जब वॉशिंग मशीन चलानी है, जब हमें मिक्सी चलानी है, या हमें AC चलानी है, या हमें प्रेस करने के लिए जो आयरन की मशीन चलानी है, जो भी हमारा जो काम है वो ऑफ पीक आवर्स में कर सकते हैं, जो पीक आवर्स में करने से हायर रेट लगेगा, सेम डे डिफरेंशियल रेट होगा, ऑफ पीक आवर्स में कम होगा, जो घर में जो हमारे जो लोग उसको ऑफ पीक आवर्स में कर सकते हैं, स्मार्ट मीटर के द्वारा ही ये हो सकता है, ये अभी आने वाला है। ऑलरेडी सरकार ने इंस्ट्रक्शन पास कर दिए कि 2024 तक इसको लागू करना है, बट हम लोग यहाँ स्मार्ट मीटर की संख्या जैसे बढ़ेगी वो करेंगे। दूसरा, मैंने कहा कि ये रिफॉर्म्स आर लिंक टू द कलेक्शन, जो AT&C लॉसेस को कम करने के लिए, पिछले 2019 के बाद यहां मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे मैं ट्रांसमिशन सेक्टर में ले लूं, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ले लूं, या यहां जनरेशन सेक्टर में, हमारी जो कैपेसिटी है ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, हमने उसको तकरीबन 50%, जो 70 साल में जो पहले हुआ था, अभी पिछले 3-3.5 साल में 50% कैपेसिटी हमने बढ़ाई है, और इन्वेस्टमेंट 3,650 करोड़ PMDP के स्पेशल पैकेज के द्वारा हुआ है, उसके साथ ही ट्रांसमिशन में 850 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन सेक्टर में हुआ है PMDP के अंतर्गत, उसके साथ ही जनरेशन में जो यहाँ जो लंबे समय से जो विलंबित प्रोजेक्ट्स थे उसको सारा हमने एक्टिवेट करके अगले 2026 तक उसकी यहाँ जनरेशन चालू होने की पूरी हमारी उम्मीद है, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छे प्रोग्रेस हो रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ के जो PPA का अरेंजमेंट, ये एक सबसे बड़ी बात, अहम बात मैं आपको कहना चाहता हूँ,
जम्मू कश्मीर में पावर की किल्लत बहुत ज्यादा है विंटर में. विंटर में हमारे जो हाइडल प्रोजेक्ट की जनरेशन कैपेसिटी 2/3 कम हो जाती है, जस्ट 1/3 बच जाती है. हमें पावर सेंट्रल से अनअलोकेटेड कोटा से या दूसरे कोई स्टेट का जो बैंकिंग करके या एक्सचेंज से महंगे दाम पर 8 रुपए कभी 10-12 रुपए तक पावर को पैसा देके हमें उठाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है. उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिछले एक साल में हमने 3,250 मेगावाट के हमने पीपीए का बंदोबस्त किया, पावर परचेज का बंदोबस्त किया, क्योंकि जेएन के पावर एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड ना हो और हमारे जो अनअलोकेटेड कोटा है कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक यहां एक पुख्ता बंदोबस्त, एक परमानेंट अरेंजमेंट हो कि पावर की अवेलेबिलिटी यहां सुनिश्चित करने के लिए हमने उसमें 3,250 मेगावाट के जो पीपीए हमने एंटर किया, वो जो हमने जो पहले 70 साल में जो पीपीए हमने एंटर किए थे उससे भी ज्यादा है. वो तकरीबन हमारे 2,250 के करीब पीपीए यहां एग्जिस्टिंग थे. पिछले एक साल में हमने उसकी संख्या दुगुना ही नहीं, दुगुना से भी ज्यादा कर दिए. पहले हमने 1600 मेगावाट 2.5 रुपए के जो एवरेज कॉस्ट के ऊपर सोलर पावर खरीदने के लिए हमने पीपीए एंटर किया. सारे हमने जो सोर्सेस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से किया, हमने कोई बिजली किसी प्राइवेट कंपनी से खरीदी नहीं है. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स में जेन्यून दी लोवेस्ट रेट में हमने खरीदा. हमने जो हाइडल पावर के लिए 900 मेगावाट की पीपीए के बंदोबस्त किए, वो हमने हमारे ही जो कंपनी है यहां जो जेके पीडीसी है और उसके साथ ही हमारे जो जेवी कंपनी है सीबीपीपीएल जो एनएचपीसी के साथ हमारे जो 49% स्टेक जेएन के गवर्नमेंट के है उसमें, उसी कंपनी से हमने वो भी हमने 4.5 रुपए से कम, किसी में 3.90 रुपए, किसी में सारे प्रोजेक्ट में हमने किया कि 4.5 रुपए से कम. ये 4.5 रुपए सारे देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक मानदंड है कि 4.5 रुपए से एक पावर को माना जाता है कि एक अफोर्डेबल पावर है, उससे ज्यादा होने से महंगा. हमने कोई महंगा पावर खरीदा नहीं, हमने कम से कम दाम पर हमने अरेंजमेंट किए. अगर हम 4.5 रुपए का पावर नहीं खरीदे तो हमें हो सकता है कि एक्सचेंज में आपका 8 रुपए या 12 रुपए का पावर खरीदना पड़े. जो भी डिसीजन हमने लिया हमने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ही लिया. और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि एक हमने जो यहां जो बेस पावर लोड के लिए हाइडल का पावर तो ऊपर नीचे जाता है सीजन के हिसाब से, मगर हमें चाहिए थर्मल पावर क्योंकि बेस लोड स्ट्रांग होना है, नहीं तो कश्मीर रीजन में समर में यहां विंटर में कश्मीर में समर में जे एन के में पावर सप्लाई की किल्लत आती है, लोड शेडिंग करना पड़ता है. उसके लिए हमने भारत सरकार ने एक नई शक्ति पॉलिसी लाई है, उसके हिसाब से हमने 500 मेगावाट खरीदने का एक ऑलरेडी एक बंदोबस्त किया है. उसका पीपीए अभी बाकी है, मगर हम चाहते हैं कि वो पावर हमें एवरेज 5.5 रुपए के हिसाब से मिलेगा, मगर यह थर्मल पावर है. थर्मल पावर अब बेस लोड का हमें संतुलन करके लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि एक थी हमारे यहां बिजली की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हो, पावर की अवेलेबिलिटी बढ़े, रिलायबिलिटी बढ़े और हम एक अफोर्डेबल रेट में कंज्यूमर को पावर दें. यहां जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी है, यहां जब इंडस्ट्री लगाना के लिए इन्वेस्टर्स आएंगे उनको पावर की किल्लत ना हो, यहां जब इंडस्ट्री आएंगे जब यहां एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यहां का नौजवान को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, यहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उसके साथ ही यहां के जो हाइडल प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट होगा यहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. सो ओवरऑल रखते हुए यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, यहां की जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए, यहां के इंडस्ट्रीज को पावर अवेलेबल करने, यहां का डोमेस्टिक कंज्यूमर को पावर को यहां रिलायबल तरीके करने के लिए हमने ये रिफॉर्म्स हमें ये करने जरूरी है इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. स्मार्ट मीटर्स में अभी एक ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि ये फास्ट रनिंग है. मैंने कहा कतई ही फास्ट रनिंग नहीं है. ये काफी लोग, मैंने पहले ये बात की कि यहां 50% मीटर तो हुआ ही नहीं है, वो फ्लैट रेट में देते हैं. फ्लैट रेट में इनका लोड के हिसाब से दिया जाता है, वो किसी ने दिया है किसी ने नहीं दिया है, किसी ने कोई जो अपने हिसाब से दिया हो ना हो, मगर आज के दिन उनको जब स्मार्ट मीटर लगाने के बाद असली कंजम्पशन के बेसिस में, उनका रियल कंजम्पशन के बेसिस में बिल जाता है, लगता है कि उनको ज्यादा लगे कि उन्होंने पहले जो लोअर रेट दे के उनको कम दे के उनका आदत है.
दूसरी बात है, काफी लोगों ने बिजली का बिल भुगतान कभी किया ही नहीं है, सालों से नहीं किया, किसी ने अभी महीनों से नहीं किया। हमने यहां जो पुराना बकाया था उसको, क्योंकि सरकार ने एक एमनेस्टी स्कीम लाई थी पिछले साल, अभी अक्टूबर तक वैलिड है 10 किस्तों में भरने के लिए, काफी लोगों ने उसमें उसको उसका फायदा उठाया, मगर काफी लोगों ने उसका फायदा उठाया भी नहीं है। उस वजह से जब स्मार्ट मीटर्स लगाए उनका बकाया का बिल तो उसके वो तो हटेगा नहीं, क्योंकि ये तो सरकारी ड्यूस है, सरकार ने बिजली आपूर्ति की है, आपने बिजली जिसने भी कंज्यूम तो किया है उसको यूज तो किया मगर पेमेंट नहीं किया, ये कोई देयर इज नो फ्री लंच। जिसको बीपीएल कैटेगरी के लिए है उनको कम रेट पे बिजली दिया, ये चार्जेस तो देने उसी के लिए एमनेस्टी स्कीम में हमने इंटरेस्ट सरचार्ज और पेनल्टी है माफ कर दिया, मगर प्रिंसिपल अमाउंट तो देना है कंज्यूमर को। अभी यही एक्चुअली उसी वजह से जो पिछला बकाया बिल, ये जो स्मार्ट मीटर को लागू करने के बाद उसके साथ बिल को दोनों देख के लगता है कि उनके बहुत ज्यादा हो गए, ये पास रनिंग है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। मीटर रनिंग फास्ट बिल्कुल ही नहीं है, पुराने ड्यूस है। अभी सरकार ने ये फैसला लिया है, सारे हमारे जो डिस्कॉम्स हैं, जो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों को सारे अफसर लोगों को कल हमने मीटिंग बुलाई थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल तक की मीटिंग बुलाई थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय भी थे उसमें और सारे सीनियर ऑफिसर भी थे। हमने सारा इंस्ट्रक्शन सबको दिया कि जो पिछला बकाया बिल है, ये जो स्मार्ट मीटर का अभी जो कंजम्पशन का बिल है, दोनों को सेपरेट रखने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के मिक्स ना करके एक गलत धारणा ना बने, क्योंकि उसमें क्लैरिटी आ जाए कि उनका कंजम्पशन कितना हो रहा है। और ऐप में आप खुद दे सकते हो, अगर आपके जो अगर उसको प्रीपेड एनेबल करने के बाद आपको रोज आपका कंजम्पशन पता लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई भी कहीं भी अगर ऐसी कोई भी आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, मतलब स्मार्ट मीटर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जो 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 सेंट्रल पीएसयू है, आरईसी